राधे राधे, सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, आज हम अपने कान्हा जी के लिए जो ड्रेस बनाने वाले हैं, वो ड्रेस किसी भी साइज के कान्हा जी के लिए बनानी बहुत ही आसान है, क्योंकि कई ड्रेसों में घेरा जो है बड़ा ही बनता है। आप जीरो साइज में वो घेरा नहीं बना सकते, क्योंकि उसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं घेरे का, ये हर एक साइज के कान्हा जी के लिए आप बना सकते हो, यानी कि जीरो से लेके कितने भी बड़े तक कान्हा जी। तो इसमें आपको चोली जो है वो अपने कान्हा जी के साइज़ की बनानी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें मैं चोली बनाना नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि चोली मैं पहले भी कई जीरो साइज से काफ़ी 10-11 साइज तक मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। आप उसमें उसका लिंक दे दूँगी, उसमें आप देखकर जो है कान्हा जी की चोली बना लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और मैंने बहुत सी ड्रेस बनाई है, उसमें भी मैंने चोली बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चोली आप अपने कान्हा जी के साइज़ की बना लीजिए। तो जब चोली आपकी बन जाएगी, तो घेरा जो हम बनाएंगे इस ड्रेस का, इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैं अब बनाने वाली हूँ। तो ये आप जीरो साइज से बड़े साइज तक आसानी से बनाएंगे। देखने में भी बनाने में बहुत ही आसान है, और देखने में बहुत सुंदर लगेगी, और कान्हा जी इसमें बहुत सुंदर भी लगते हैं। मैंने जीरो साइज की एक ड्रेस इसमें बनाई है, जिसकी बड़ी फरमाइश थी कि इस तरीके की ड्रेस जो है हम बनाएं बड़ी। तो अब बड़ी ड्रेस उसमें नहीं बन सकती, अब कई लोगों को वो थोड़ी सी मुश्किल भी लगी है, तो ये मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं इस ड्रेस को। कैसे बनाना है, कोई भी दो कलर ले लीजिए, एक लाइट एक डार्क। आप ये जैसे हमने ये दो कलर लिए हैं, हमने पिंक लिया है और हमने ये हमारा मजेंटा पिंक है, ये बहुत ही सुंदर लगता है वाइट के साथ में। और ये हमने 10 नंबर का जो है क्रोशिया लिया है। और ये देखिए, हमने एक चोली बना के रखी हुई है छोटी सी, ये चोली हमारी 2 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बनाई है। ये हमने सिर्फ यहाँ पर आउटलाइन की, अपने कलर की आउटलाइन कर दी है। जब आप ऊपर का हिस्सा बनाओ तो यहाँ पर आउटलाइन कर दीजिए, तो आपकी चोली इस तरह से नजर आएगी। तो आप इस तरह से अपनी पहले चोली बना लीजिए, उसके बाद हम घेरा शुरू करेंगे। ये ड्रेस हम फ्रंट ओपन बनाएंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी ड्रेस भी होती है जो हम बनाते हैं, बड़े कान्हा जी होते हैं, उनको हाफ ओपन पहनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं इस छोटी ड्रेस में आपको फ्रंट ओपन भी करना सिखाऊंगी। देखिए, जो भी आपने चोली बनाई हुई है, तो इस तरह से आप जैसे हमारी फ्रंट ओपन ड्रेस है, यहाँ से हम किनारे से 5 चेन एक साथ लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और ये हर एक चेन में से हम जो डबल क्रोशिया लेने वाले, यहाँ पर हमने ले लिया, उससे अगली चेन में से हम इस तरीके से डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1, 2 और उससे अगली चेन में से डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये 2 चेन से हमारा घेरा जो है बढ़ेगा, 1, 2 अगली चेन में से डबल क्रोशिया। इस तरह से हम फर्स्ट राउंड ले लेंगे, यानी कि पहला राउंड हम इस तरीके से पूरा करेंगे। ये हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर फिर से हमने ये डबल क्रोशिया लिया, 2 चेन लेंगे, 1, 2 और ये जो डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हम एक बार इस चेन में से डबल क्रोशिया ले लेंगे। और ये जो हमने यहाँ पर हमारी इधर से 5 थी, यहाँ पर हमारे पहले ही एक डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम जो है 1, 2 डबल क्रोशिया लेके यहाँ पर एक बार और इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हमारी 5 चेन होगी, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से हम इस तरह से पलट देंगे। अगर हम जीरो साइज की ड्रेस बना रहे हैं, तो सिर्फ 2 राउंड हम बनाएंगे, फिर हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। ये जो है आपको अभी ये जो शुरू कर रही हूँ, ये आप कितनी भी बड़ी ड्रेस हो, सब में इसी तरीके से आपको शुरू करना है, यानी कि हर एक चेन में से हमने 2-2 चेन ले के डबल क्रोशिया ले लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 5 चेन ली है, तो ये देखिए अगला डबल क्रोशिया जो है यहाँ पर हमें स्टिच लेनी है, एक डबल क्रोशिया बिल्कुल इसी चेन के अंदर से। यहाँ से हमने पलट दिया, क्योंकि हमारा ये फ्रंट ओपन ड्रेस है। अगर आपको छोटी ड्रेस बंद ही बनानी हाफ, तो आप इस तरीके से इसको जोड़ के इस तरह से आपका राउंड चलेगा। लेकिन फ्रंट ओपन बना, मतलब कि आपको ड्रेस के ऊपर पहनानी बहुत आसान होती है। जैसे आप 2 ड्रेस तो पहनाते, नीचे कॉटन की पहनाएंगे, ऊपर गर्म पहनाएंगे, तो उसके लिए फ्रंट ओपन बहुत अच्छी रहती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने डबल क्रोशिया लिया, 2 चेन, 1, 2। आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 चेन लेनी ही है। अब इसी चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया ले लेंगे।
तो यहाँ हमारी स्टिच बढ़ गई। फिर हम दो चेन लेंगे, एक दो। अगली चेन में से जो है हम ये सॉरी अगला डबल क्रोशे के ऊपर वाली चेन में से हम जो है इसी तरीके से दो स्टिच ले लेंगे डबल क्रोशे की, यानी कि एक ले ली हमने, दो चेन ली, एक दो, और उसी चेन के अंदर से फिर से डबल क्रोशिया। यानी कि अभी हमने जो है हर एक चेन में से यानी कि सॉरी दो चेन जो है इनको छेड़ना नहीं है, सिर्फ आपको डबल क्रोशे के ऊपर वाली चेन है उसी में से लेना है। तो हर एक चेन में से यानी कि डबल क्रोशे के ऊपर वाली में से इस तरीके से दो दो स्टिच लेनी है दो दो चेन के बाद। तो ये दो चेन, अगला डबल क्रोशिया आ गया ये नीचे वाला, इसके ऊपर वाली चेन, और ये फिर दो चेन, और फिर उसी में से, तो ये हमारी घेरे की जो है स्टिच बढ़ रही है। तो ये दो राउंड हमारे जीरो साइज के कानाजी के लिए बहुत रहेंगे। अगर हम तीसरा राउंड बनाएंगे तो हमारा एक नंबर कानाजी, इसी तरीके से एक एक स्टेप आप बढ़ाएंगे तो आपका जो है एक एक नंबर बढ़ता जाएगा घेरे का। अगर आपको ज़्यादा बड़ा घेरा बनाना है तो आप दो स्टेप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम सेकेंड राउंड ले लेंगे। ये सेकेंड राउंड हमारा इसी तरीके से चलेगा, चाहे कितनी भी बड़ी ड्रेस, मैं पहले बता चुकी हूँ। ये देखिए हमारा सेकेंड राउंड हो गया, जिसमें कि हमने हर एक डबल क्रोशे के ऊपर से दो दो बार जो है डबल क्रोशिया लिया है दो चेन के बाद में। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर हमने जो पांच चेन ली थी, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर दो चेन लेनी है, एक दो, और नीचे से तीन चेन छोड़कर एक दो तीन, यानी कि यहाँ से दो चेन छोड़कर यहाँ से हमें डबल क्रोशिया लेना है एक बार। यहाँ पर हम किनारे पे दो बार नहीं कर रहे हैं, यहाँ से फिर से पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, फिर पलट देंगे। अब देखिए आपको एक ये हमारा घेरा जो है जीरो कानाजी के लिए साइज के लिए तो अच्छा हो गया है। आपको अगर अब हम फर्स्ट के लिए बनाएंगे राउंड हमारे इसी तरीके से चलेंगे जैसे ये हमने दो नंबर कानाजी के लिए बना रहे हैं। ये देखिए दो नंबर कानाजी के लिए बना रहे हैं तो हम जो है चार राउंड में हमारा पूरा हो जाएगा। अगर हमें राउंड ज़्यादा बड़ा बनाना है तो जैसे मैं बता चुकी हूँ आपकी च्वाइस है, आप बड़ा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसको बड़ा नहीं कर सकते। इसकी खासियत यही है कि आप कितना ही बड़ा घेरा बना सकते हो। तो ये हमने पांच चेन लिए, अब ये अगला जो हमारा ये इसमें आपको जब भी आप स्टिच बढ़ाओगे, जैसे मैंने यहाँ स्टिच बढ़ाई है सेकंड राउंड में, तो जो थर्ड राउंड है वो ये मेरा सब में से कोई स्टिच नहीं बढ़ाऊंगी, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर से मैं एक एक बार डबल क्रोशिया लूँगी। ये देखिए ये यहाँ से मैंने एक बार लिया डबल क्रोशिया, दो चेन ले ली, फिर अगले डबल क्रोशे के ऊपर से ये, फिर दो चेन ले ली, फिर अगले डबल क्रोशे के ऊपर से हमने डबल क्रोशिया ले लिया। यानी कि ये जो दो चेन चल रही है इनको हमें छेड़ना नहीं है। फिर दो चेन, फिर यानी कि इस थर्ड राउंड में हमने कुछ नहीं बढ़ाया, हम फिर उसके बाद अगले राउंड में बढ़ाएंगे, फिर हम उसके बाद सिंपल यानी कि हम हर एक एक राउंड छोड़कर एक राउंड में हम स्टिच बढ़ाने वाले हैं। तो ये हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए हमने हर एक में से कहीं स्टिच नहीं बढ़ाई तीसरे राउंड में, जैसे मैंने बताया एक बार हमें बढ़ाना और एक बार हमें नहीं बढ़ाना। ये देखिए लास्ट में आ गए, फिर से हम यहाँ पर एक दो, और ये पांच चेन थी, यहाँ से दो चेन छोड़कर एक दो डबल क्रोशिया। बस आपको फिर से हम पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, ये हमने पांच चेन ले ली। तो ये देखिए एक दो तीन राउंड हो गए, ये हमारे एक नंबर कान्हा जी के लिए ये देखिए कितने अच्छे से हमारा घेरा बनाया। अगर आपको कम घेरा बनाना है तो आप जो है स्टिच जो है ये तीसरे राउंड में, बल्कि जैसे अब हम सेकंड पे बढ़ा रहे हैं, आप सेकंड पे ना बढ़ा के आप थर्ड में बढ़ा सकते हो। तो लेकिन ये बहुत अच्छा भारी बनता है, इसी से इसकी जो है सुंदरता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पांच चेन बना ली है, जैसे कि हमारी दो नंबर काना जी की ड्रेस है, तो ये हमारी एक नंबर काना तक हमने राउंड ले लिया। अभी एक राउंड और लेंगे तो हमारी दो नंबर काना जी के लिए बन के तैयार हो जाएगी। जैसे कि बड़ा बनाना है तो आप राउंड बढ़ा लीजिए। मैं तो अब मैं आपको ये हमने यहाँ पर स्टिच नहीं बढ़ाई, यहाँ हमने पांच ले ली चेन, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया लेंगे। अब हम स्टिच बढ़ाएंगे, पहले हमने हर एक चेन में से सॉरी हर एक मतलब कि डबल क्रोशिया के ऊपर के हिस्से में से दो दो बार लिया था। ये देखिए कहीं हम हर एक में से दो, अब हम एक छोड़कर एक लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने एक ये पांच चेन ले ली। अब अगली स्टिच में से हम
इसके ऊपर से दो बार डबल क्रोशिया लेंगे, ये एक बार डबल क्रोशिया हो गया और दो चेन ये ज़रूर लेनी है आपको। फिर से हम इसी में से एक बार और डबल क्रोशिया ले लेंगे, ये देखिए, और फिर दो चेन अगले इसमें से हम यहाँ पर जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर से हम एक बार लेंगे और उसके आगे से हम इसी तरीके से दो बार लेंगे, यानी कि सिर्फ आपको ये स्टेप चेंज करना है। यहाँ पर हम दो बार ले लेंगे, यानी कि एक छोड़कर अगले में से हम दो बार लेंगे, ये यहाँ फिर एक छोड़कर दो बार, फिर हम इससे अगला राउंड होगा हमारा प्लेन बनेगा, यानी कि हर एक में से हम एक एक बार लेंगे जैसे अभी हमने पिछले राउंड में किया है। ये देखिए एक बार, फिर दो चेन और दूसरे इस यहाँ से डबल क्रोशे के ऊपर से दो बार, ये तो ये देखिए यहाँ एक यहाँ दो यहाँ एक यहाँ दो यहाँ एक। अब फिर हमारा अगला राउंड होएगा जो वो हर एक डबल क्रोशे के ऊपर इसी तरीके से एक एक बार होएगा, फिर उसके बाद हम स्टिच बढ़ाएंगे तो ये एक की जगह हमारा दो हो जाएगा, यानी कि एक जैसे एक है ये तो एक बार डबल क्रोशिया लिया फिर एक बार लिया और तीसरे में से हम दो बार लेंगे, ऐसे हमारा चलेगा, यानी कि इस तरह से हमारा घेरा जो बढ़ता चला जाएगा और जब भी बढ़ाना उसके बाद हम प्लेन बनेंगे। तो ये हमारा एक दो तीन चार राउंड हो गए, ये हमारे दो नंबर काना जी के लिए ठीक है। इसके बाद हम प्लेन बनाएंगे तो आप बस ये ध्यान रखें ये एक की जगह आपको दो बढ़ाने हैं, मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि इससे ही घेरा हमारा आगे बड़ा बनेगा, नहीं तो अगर आप यही स्टेप लेंगे तो घना नहीं बन, बहुत ज़्यादा घना बन जाएगा, यानी कि आपको ये एक की जगह दो अगले राउंड में तीन फिर चार, इस तरह से आप जैसे कि हम हमेशा घेरा बनाते हैं। तो ये हम घेरा बना के एक प्लेन बना लेते हैं, फिर अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं जो हमारा मेन डिज़ाइन है। ये देखिए हमारा कितना बड़ा राउंड बन के तैयार हो गया है, ये हमारे तीन नंबर तक कान्हा जी के लिए बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए तीन नंबर कान्हा जी तक, दो या तीन, लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया ये कितना ही बड़ा कर सकते हैं आपको अभी समझ में आ भी गया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ क्योंकि हमारा राउंड पूरा हो गया, अब हम इसमें डिज़ाइन डालने वाले हैं। आप जब भी किनारे पे यहाँ पर आए, जैसे ये हम ये देखिए आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर हमने दो दो स्टिच ली थी हर एक में से, यहाँ पर हमने कोई नहीं ली, सब में से एक एक बार लिया फिर प्लेन बना दिया हमने, फिर यहाँ पर हमने दो ली एक ली उसके बाद दो ली फिर एक लिया फिर दो लिया फिर एक लिया, इस तरीके से हमारा डबल क्रोशिया चला है और ये दो चेन चली है, इन दो चेनों के अंदर से हमने कुछ नहीं करना, जब भी हमने क्रोशिया लेना डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में से यहाँ से हमने लेना है। तो ये हमने एक बार स्टिच बढ़ानी है, एक बार हमने प्लेन बनाना है, फिर एक बार स्टिच बनानी है हमें, फिर एक बार प्लेन बनाना है। तो ये हमने प्लेन बना लिया, यानी कि कहीं भी हमने स्टिच नहीं बढ़ाई है, दो चेन के बाद एक डबल क्रोशिया हमने ले लिया इस तरीके से। और जब भी हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर हम स्टिच नहीं बढ़ाएंगे, चाहे हमारे बढ़ाने वाली हो, क्योंकि नहीं तो यहाँ से जो घेरा सीधा ना आके थोड़ा सा सही से नहीं आएगा, आप अगर करते हो तो टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ आएगा, तो यहाँ से सीधा रखने के लिए आपको यहाँ पर एक एक ही स्टिच रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अब देखिए जैसे अभी हम मेरा तो घेरा पूरा हो गया ड्रेस के हिसाब से, तो ये हम अगर अभी घेरा अभी प्लेन बनाया है, यहाँ पर हमने एक स्टिच बनाई थी फिर डबल, तो जब हमें घेरा बढ़ाना होगा, मैं अभी बाद में उधेड़ दूंगी, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम ये देखिए पांच चेन तो लेनी है हमने, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर हमने कोई स्टिच नहीं बढ़ानी जैसे मैंने बताया दोनों कोनों पर, जिससे ये बिल्कुल सीधा चले। तो यहाँ पर हमने बढ़ाया था, यहाँ पर नहीं बढ़ाया, और यहाँ एक था यहाँ हमने दो लेना, तो ये एक ले लिया हमने पांच स्टिच, यहाँ पर हम दूसरा ले लेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ये ले लिया हमने, तो ये हमारी एक तरह से एक दो स्टिच हो गई। हम तीसरे पे हम यहाँ पर डबल लेंगे, यानी कि देखिए दो चेन लेना भूल गई, ये गलती नहीं करनी है आपको, यहाँ दो चेन हमेशा लेनी है, दो चेन ले ली, अब यहाँ पर हम तीसरी एक दो और ये तीसरी डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर से हमने दो बार डबल क्रोशिया लेना है, ये एक बार ले लिया दो चेन ली और फिर हमने ये डबल क्रोशिया ले लिया फिर दो चेन ली, और इस तरीके से हम आगे जो है दो स्टेप, यानी कि ये और ये दो बार एक एक बार जो ये ले लिया हमने डबल क्रोशिया, फिर हम दो चेन लेंगे और एक एक बार ये इसको छोड़कर अगले में से, यानी कि दो बार हो गया हमारा, फिर यहाँ तीसरे में से हम दो बार लेंगे, जैसे ये एक दो यहाँ पर तीसरे में से दो बार, एक दो तीसरे में से दो बार, जो अगला राउंड होगा वो हमारा इसी तरीके से प्लेन, यानी कि हर एक में से एक एक बार।
तो आपको या तो सीधा सा ध्यान रखना है घेरा बनाते हुए, यहाँ पर हमने एक के बाद जो है ये चेन हमारी एक के बाद हमने डबल क्रोशिया लिया, अगली चेन हम राउंड हमारा पूरा प्लेन बना, यहाँ पर हमने दो के बाद तीसरा, जब हम तीसरा होगा तो एक दो तीन और उसके बाद हम डबल करेंगे। इस तरह से आपको बस बढ़ाना है, शुरू में आप जो एक दो तीन कर लेंगे फिर बढ़ाएंगे, फिर अगली प्लेन बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार बना लेंगे, फिर डबल बनाएंगे, इस तरह से आपका घेरा बनता चला जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना, ये देखिए पहले दो दो, फिर एक के बाद दो, फिर दो के बाद दो, फिर एक दो तीन के बाद दो, बस इस तरह से आपका घेरा बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हमारा घेरा तो पूरा हो गया है, इसलिए हम इसको उधेड़ देते हैं। यहाँ से अभी उनको हम काट देंगे क्योंकि हमें ऊपर भी लगाना होगा ये कलर। अब हमारा मेन डिज़ाइन जो हमारा बनाना है, यानी कि अब हम कलर चेंज करेंगे, उसके लिए हमने ये अपना पिंक कलर जो लिया है, बिल्कुल आपको यहाँ से ये आपकी चोली थी यहाँ तक, यहाँ से हमने स्टिच जो है दो दो लेनी शुरू करी थी। तो यहाँ पर हमारी डोरी डलेगी कान्हा जी की कमर पे बांधने वाली, तो आप यहाँ पर जो है चाहे अगर आपको लंबी लग रही है तो आप छोटी करना चाहे तो यहाँ पर डोरी डाल लीजिए, डिज़ाइन यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम यहीं से जो है शुरू करते, बिल्कुल जहाँ से हमारी जो है चोली हमने घेरा शुरू किया था, तो यहीं से हम अपना कलर जो है लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसको बांध देंगे, इसको इस तरीके से हमने पकड़ना है। ये देखिए यहाँ पर हमारी कोई भी दो चेन नहीं है क्योंकि हमारी यहाँ से चोली शुरू है, दो दो चेन हमारी यहाँ, इन दो चेनों के अंदर ही हमें सारी क्रोशिया बनाना है। तो लेकिन यहाँ हमारी चोली यहाँ पर ख़त्म हो गई है, तो यहीं से अगर हम बना रहे हैं क्योंकि चोली की हमारी लंबाई ठीक है, तो यहाँ से हम जो है ये देखिए आपको ये ऐसे करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ से बिल्कुल किनारे से आप ले लीजिए पहले, तो ये यहाँ पर आप जो है तीन चेन लेंगे पहले, शुरू में हमेशा तीन चेन लेनी होती है, एक दो तीन, ये तीन चेन ली हमने, इसके बाद हम यहाँ पर तीन चेन और लेंगे, एक दो तीन, टोटल हमारी छः हो गई है, फिर ऊपर से एक दो तीन, तीसरी चेन में से हम इस तरह से अपना क्रोशिया डालेंगे देखिए, और यहाँ से हम ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक पॉइंट से हमने बनाना है, नोक सी बनानी हमने यहाँ पर। अब ये देखिए ड्रेस को हमने इसी तरीके से पकड़ना है, ये देखिए हर एक इस जाली, क्योंकि यहाँ पर हमारी दो चेन नहीं है, यहाँ सिर्फ हम ये शुरू का राउंड है इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ दो दो बार लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मोड़ लिया, यहाँ से हम जो है डबल क्रोशिया लेंगे, ये हमने डबल क्रोशिया ले लिया। इसको यहाँ पर आपको हाथ थोड़ा सा लूज रखना है, अच्छे से जो ये डबल क्रोशे का जो हमारी लंबाई है खिंचाव है इसको बराबर रखना, ऊंचा नीचा नहीं रखना। तो ये डबल क्रोशिया ले लिया, यहाँ से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये आपको आसान तरीका बताती हूँ, आप ऐसे चेन ढूंढते रहें, इससे अच्छा आप इस जाली में से ऐसे गए और यहाँ से ऊन को खींच के लाए और यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया। तो ये देखिए कितना आसान और कितना सुंदर बना है। फिर हमें क्या करना है, डबल क्रोशिया लेना है, जहाँ से हमने लिया वहीं से एक बार और ले लेना है, ये हमने डबल क्रोशिया ले लिया, फिर तीन चेन, एक दो तीन, फिर ये जाली के अंदर से ऐसे गए, यहाँ से उनको खींच के लाए और ये सिंगल क्रोशिया की स्टिच ले ली, फिर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारी दो दो चेन नहीं है इसलिए हम हर एक में से जो है दो दो बार इस जाली को पकड़ेंगे, यानी कि ये आप इसे देखिए, ये मैं ऐसे खोल के दिखाती हूँ, ये जो है ये जो जाली है हमारी चोली की, इसी के अंदर से हम दो दो स्टिच ले रहे हैं, ये अगली जाली में चले जाएंगे, ये हमारी अगली जाली आ गई, यहाँ से देखिए अलग से दिखाई दे रहा है ये और ये, यहाँ से डबल क्रोशिया, एक दो तीन,
इस जाली के साइड से यहाँ से हमने ऐसे उनको सिंगल क्रोशिया लिया और जहाँ से पहले लिया था उसी जाली में से एक बार और हम डबल क्रोशिया। तो ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन चलेगा। अगर आपको यहाँ नहीं लेना तो आप यहाँ से शुरू कीजिए। अगर आपको यहाँ से डोरी डालनी है तो ये हम यहाँ से ऊपर से ले लिया हमने बिल्कुल, ये देखिए हम जाली यहाँ की जाली में से डोरी डाल देंगे कान्हा जी की ड्रेस में। तो ये फर्स्ट, अगर आपको ये यहाँ से जाली ये डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं हम जैसे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो दो लेना। जब भी हमारी नीचे डिज़ाइन जाएगा हमारी स्टिच तीन हो जाएंगी। तो ये देखिए दो ले लिया हमने, फिर यहाँ से तीन चेन, एक दो तीन, ऐसे उंगली से ऐसे किया, यहाँ से देखो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा मैं इस तरह से ये जो डबल क्रोशिया के साथ में से मैं ऐसे ये सिंगल क्रोशिया ले रही हूँ, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो ये दो हो गया हमारा। फिर हम इसी तरीके से देखिए ये जाली थी इसकी ये वाली जाली में से चली जाएंगे, यानी कि हर एक जाली में से हम दो दो बार डबल क्रोशिया ले रहे हैं और साथ में ये डिज़ाइन बना रहे हैं। डबल क्रोशिया लिया, फिर तीन चेन ली, फिर इस तरह से जाली को पकड़ा, यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया, फिर उसी जाली में से एक बार और, यानी कि हर एक जाली में से हम ये स्टेप कर रहे हैं। तो इस कलर से पूरा राउंड हम बना लेंगे। इसी तरीके से डबल क्रोशिया लिया, दो तीन चेन, और ये जाली में से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लिया कोने पे। ये इसलिए ले रहे हैं हम, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। ये देखिए किंगरी कितनी सुंदर लग रही है, इसको बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये दो स्टिच हो गई देखिए, फिर हम इस तरीके से हमने इस तरीके से पकड़ा हुआ है ड्रेस को, तो ये अलग से हमारी जाली दिखाई दे जाती है। देखिए उंगली से मैं दिखा रही हूँ, ये है हमारी। तो यहाँ से फिर हम अगली इसमें चले गए। तो हर एक में से हम दो दो बार कर रहे हैं, तीन चेन। तो इस तरह से आप पूरा राउंड ले लीजिए, हर एक में से दो दो बार डबल क्रोशिया और ये किंगरी बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने एक राउंड पूरा कर लिया। तो ये देखिए कितनी छोटी सी हमारी ड्रेस है। अगर ये चोली हमारी छोटी है तो हमारे छोटे कान्हा जी के लिए, जीरो कान्हा जी के लिए ये देखिए एक राउंड हमने लिया। एक और लेंगे तो हमारा छोटा सा जो ड्रेस बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बस आपको राउंड जो है बढ़ाने हैं ड्रेस के अनुसार। तो ये हमारा पहला था, इसलिए हमने इसमें से दो दो लिए हैं क्योंकि हमारी जाली छोटी थी। ये जो हमारी, अब हमें नीचे से इस तरीके से जाली पकड़नी, यानी कि एक एक जाली हम इस तरीके से पकड़ेंगे और सेम स्टिच हमने ये करनी है। ये देखिए फ्रंट ओपन हम बना रहे हैं। अब हमें ये कलर जो है नहीं चाहिए, या आप इसी में छोड़ दीजिए। जब हम दोबारा यहाँ से इधर से हम वाइट शुरू करेंगे तो हमारा हाथ इसी तरीके से चलेगा, हम उल्टा नहीं चला सकते। तो हमें ये ऊन यहाँ से सॉरी तोड़ना ही, यानी कि कैंची से हम इसको काटेंगे बाद में इसको अच्छे से इस तरीके से। अब यहाँ से हम अपना वाइट कलर, यानी कि एक लेयर वाइट की एक मजेंटा ये पिंक की ऐसे हमारी चलेगी। तो ये अब हम वाइट लगा लेते हैं नीचे अपना ऊन। तो ये देखिए अब हमें कैसे लगाना है, यहाँ से हमने ये देखिए इस तरह से पलटा तो ये हमारी स्टिच आ गई जो हमने दो दो डबल क्रोशिया, यानी कि ये जो आपकी लाइन है ये यहाँ से आपको ऊन लगाना है। तो यहाँ से हम ऊन लगा लेंगे इस तरीके से। कहीं से भी आपको जैसे अच्छा लगे आप अपना कलर चेंज कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से ऐसे बांध कर, या आपको कोई और तरीका हो आपका उस तरीके से आपको यहाँ ऊन लगाना है। ये हमने ऊन लगा लिया। अब यहाँ से हमने इसको इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर हमने क्या इसको ऐसे पलटा और ये जो हमारी डबल क्रोशे की ये लाइन है ये जो हमने यहाँ से दो दो स्टिच ये देखिए दो दो चेन जो ली थी इसमें से हमने स्टिच लेनी है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे पकड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ से क्रोशे से जाएंगे ये अपना, ये हमने इस तरीके से पहले शुरू हुई है हमारा तीन चेन और फिर एक दो तीन चेन लेनी है, फिर हमें तीन चेन लेनी है, यानी कि शुरू में हम छः चेन ले लेंगे। ये हमने तीन चेन ली और एक दो तीन तीसरी चेन में से हमने ए सिंगल क्रोशिया ले लिया। इस तरह से हमने शुरू करना है। अभी हमने यहाँ पहले राउंड में हमने दो दो स्टिच ली थी क्योंकि ये हमारा जो है पहला राउंड था, हमारी जाली छोटी थी। अगर आपको दो अच्छी लगती है आप दो ही ले सकते हो, आपको ज़्यादा हैवी नहीं बनाना। अब हम ये चेन, ये जो हमारी दो चेन है इसको ऐसे पकड़ना है
सेम हमारा जो स्टेप हमने पहले लिया था, ये डबल क्रोशिया, आपको ये जो डबल क्रोशिया बहुत छोटा छोटा नहीं लेना, बड़ा लेना अच्छे से ऐसे, तभी फ्रिल अच्छी लाएगी। ये ऐसे लिया हमने डबल क्रोशिया, ये देखिए आधा इंच के करीब हमने लंबा लिया है। आप चाहे तो इसको और एक इंच लंबा भी ले सकते हो, जैसे बड़ी ड्रेस है। ये हमने डबल क्रोशिया लिया, तीन चेन, एक दो तीन, और फिर ये डबल क्रोशिया के साथ में से हमने इस तरीके से उनको खींच के लाए, और ये हमने सिंगल क्रोशे की स्टेप जो हमारा है वो ले लिया। जब हम इस तरीके से लेंगे तीन चेन के बाद, तो सेम हम उसके बाद डबल क्रोशिया दोबारा उसी, ये जो देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, एक बार हमने लिया, इसमें से हमें तीन बार लेना है। जो हमने दो दो चेन ली थी, ये वो चेन के ऊपर से हम ले रहे हैं, ये डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर ये यहाँ से जाली में से इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया, दो स्टेप हो गए। तीसरी बार ले रहे हैं हम, ऐसे किया, डबल क्रोशिया लिया, तीन चेन, एक दो तीन, और डबल क्रोशिए के साथ में से जाली में से ये ऐसे निकाला। ये देखिए फिर से यहाँ से ऐसे लिया, ऐसे खींच के यहाँ से निकाला, और ये सिंगल क्रोशिया। ये तीन स्टेप हो गए हमारे एक ही जाली में से। ये देखिए फिर हम अगली जाली में चले जाएंगे, यानी कि ये अलग से दिख रही है आपको लाइन, ये इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे हमने उंगली में ऐसे फंसा लिया इसको, फिर यहाँ से हम इस तरह से फिर से तीन स्टेप हुई, डबल क्रोशिया, तीन चेन, और यहाँ से जाली में से सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा राउंड ले लेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, अगर ज़्यादा हैवी नहीं बनाना, आप दो स्टेप ही लेना चाहते हैं तो दो ले लीजिए। अगर बहुत मोटी उन से बना रहे हो, जब भी आप दो ही लीजिए, क्योंकि बहुत आप कोशिश करिए बेबी उन से बनाइए, यानी कि पतली क्रोशिया वाली ऊन लीजिए। जो 10 नंबर क्रोशिया के से बना रही हूँ मैं, तो 10 नंबर के क्रोशिया के हिसाब से आप ले लीजिए। फिर तीन सॉरी जब हम इधर से ऐसे मोड़ लेते हैं, तो फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। जब हम डबल क्रोशिया लेते हैं, जब तीन चेन लेते हैं, ये तीन चेन, और फिर जाली के अंदर से, मतलब वही डबल क्रोशिया के साथ वाला। फिर ये हम तीन हो गई, फिर हम इस तरीके से अगली ये दो चेन पकड़ लेंगे, जो ये देखिए अलग से आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आप ये पूरा स्टेप तीन तीन का बना लीजिए। ये देखिए वाइड से हमने जो है पूरा राउंड पूरा कर लिया है, तो आप देख सकते हैं हमारी छोटी सी ड्रेस दिख रही है। तो इसी हिसाब से हमारी जो है जीरो, एक, दो, तीन, चार, जैसे हम आगे आगे चलेंगे उसी हिसाब से हमारा घेरा भी उसी हिसाब से आप बना लीजिए, तो आपका आइडिया हो जाएगा। इसलिए मैं अलग कलर लगा रही हूँ। अभी मैं दो कलर का बनाने वाली थी, अब मेरे को बनाते बनाते ये हुआ क्यों नहीं हम इसको तीसरा कलर भी दे दें, जिससे कि आपको और आइडिया हो जाएगा कि तीसरा जो कलर लगाएंगे तो उससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपको दो नंबर की ड्रेस के लिए कितना बड़ा घेरा है, एक नंबर की ड्रेस के लिए कितना घेरा है। तो आपको अलग से दिखाई भी देगा, और आपको ये भी लगेगा, पता चल जाएगा कि मल्टी कलर में ड्रेस कैसा लगता है। तो हम इसके बाद एक कलर और लगा के फिर वाइट लगाएंगे, फिर हम अपना जैसे भी आपका बड़ा घेरा होगा तो आप अपने मनपसंद कलर लगा सकते हो, और एक कलर का भी इस ड्रेस को बना सकते हो और दो का भी बना सकते हो। तो इसलिए मैंने इसमें ये हम इस ब्लू कलर लगा रहे इसके बाद, और फिर हम इसके बाद वाइट लगाएंगे, और फिर लास्ट में हम पिंक लगा देंगे, जो भी अपनी मनपसंद। इस कलर से फ्रिल बनाने का यही तरीका है, बनाने का यही है। सेम अब हम तीसरी फ्रिल जो सॉरी तैयार करेंगे, तो यहाँ से जो हम ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, यहीं से हमें बस अपना ये फ्रिल तैयार करना है। यानी कि देखिए यहाँ से फिर ये इधर से हम इस तरीके से पकड़ लेंगे, ये चेन में से हम तीन तीन बार, फिर ये इस तरह से हम हर लाइन में अपनी फ्रिल सेम तरीका बनाने का। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर लगा के अपनी ड्रेस बना लेंगे। ये देखिए हमने ब्लू कलर के बाद में व्हाइट लगा दिया, व्हाइट के बाद हम नीचे बिल्कुल लास्ट में पिंक लगा देंगे, यानी कि शुरू में राखी में हमने पिंक और बीच में हमने इस तरीके से। तो ये ड्रेस हमारा इस तरह से तीन रंग का बनाया। आप अलग अलग कलर भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने कहा है, लेकिन हमने ये तीन कलर का बनाया। आपको अलग से जो है नंबर के हिसाब से घेरा देखने को मिल जाएगा। देखिए ये एक नंबर का घेरा है, और ये छोटे वाला आप जीरो नंबर का बना सकते, नहीं तो ये दोनों जो है इतने एक और जीरो नंबर के घेरे के लिए, और ये हमारा जो है दो नंबर काना जी के लिए, और ये हम तीसरा बना रहे हैं तीन नंबर काना के लिए। और इसी तरह से हमारा जो है घेरा, आप ये नॉर्मल है जो कि होना चाहिए इतना घेरा। आप चाहे तो बनाने को तो कितना भी बना लीजिए, हो सकता है किसी के मंदिर में जगह कम हो, वो बहुत फैला के काना जी को ड्रेस नहीं पहना सकते, तो इसलिए आप
अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें घेरा बना सकते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए अब हम व्हाइट के बाद इस तरह से लगा लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो हमारी दो दो चेन चल रही है, ये देखिए एक बार हमने जब पूरा घेरा बना लिया उसके बाद हमारा बहुत जल्दी बनता है। हमें ज़्यादा इसमें डिज़ाइन के बारे में सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ हमें तीन तीन बार जैसे हम क्रोशिया कर रहे हैं, ये देखिए ये तीन बार आपको अलग से बस इस तरह से अपनी ये जो सीधी जा रही है ऐसे उठानी है। एक बार ऐसे उठाया और फटाफट आपने इसमें अपना स्टिच बना लिया, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है तीन चेन बना के जैसे हम बना रहे हैं। और फिर से यही हमने पकड़ा हुआ है इसी में हमें, तो ये बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। ये देखिए जैसे तीन बनी, फिर ये सात वाली हमारी तीन, ये दो दो चेन जो हमने बनाई थी उनको उठा लिया इस तरह से। और ये देखिए जब जहाँ से हमने दो लिए तो इसके बीच में भी ये दो चेन, यानी कि उन दो चेनों के अंदर से आपको लेना, बस ये ध्यान रखना है, आपकी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। जब हमारा सबसे लास्ट में ये देखिए ये हमने फ्रिल बना ली, बिल्कुल इस तरीके से रह जाएगा ये देखिए। तो आपको यहाँ पर किनारे पे ये देखिए एक रह गया, अब यहाँ पर हम अपना ऊन को बांध लेंगे और यहाँ से सेम तरीके से हम फ्रिल बनाएंगे जैसे भी बना रहे हैं। ये हमारा सबसे लास्ट का राउंड होगा, तो यहाँ से हम इस तरीके से ऊन लगा लेंगे जैसे लगा रहे हैं। साथ साथ इसको दबा लेंगे इस तरीके से, यहाँ से सेम हम एक दो तीन चार पाँच छः तीसरी चेन में से इस तरह से जब हम शुरू करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये और ये अपनी जो भी ये जाली है हमारी, हर एक जाली में से सेम हमारा ये सबसे लास्ट का राउंड है जो हमारा नीचे की तरफ होएगा। डबल क्रोशिया एक दो तीन, और ये हर एक उसमें से जाली में से फिर से तीन तीन बार, तरीका वही है, बस हमें लास्ट में इसको करना है। ये जो है आपको लंबाई मैंने पहले भी बताई है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये लंबाई आपको एक बराबर रखनी है, बहुत छोटा डबल क्रोशिया नहीं बनाना क्योंकि हम इससे स्वेटर नहीं बना रहे, फ्रिल तैयार कर रहे हैं। जैसे मैं बता रही हूँ बड़ा कान्हा जी का ड्रेस बनाओगे तो आप एक इंच के करीब इसको खींच दीजिए। जी हमने पौना इंच हमारा टोटल तैयार हो रहा है, ये देखिए इस तरह हम खींच रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम पूरी फ्रिल तैयार कर लेते हैं, हमारा ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए ऐसी फ्रिल आ जाएगी एक के ऊपर, तो ये हमारा फ्रिल वाला डिज़ाइन ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए हमने लास्ट में इस तरह से पिंक कर दिया और इस तरह से हमने एक चेन बना ली है। ये हमने कोई 40-50 चेन के करीब बना ली है, आप आइडिया से मतलब बना लीजिए। तो ये हम यहाँ से किनारे से बिल्कुल ये पिंक के ऊपर से यहाँ से हम इसे क्रोशिए की सहायता से इस तरीके से जो है पिरो लेंगे, क्योंकि ये बीच में ब्लू कलर हमने इसलिए क्योंकि हमारा एक एक यहाँ पर हमने लगा दी, इससे ज़्यादा सुंदर लगेगा, जिससे कि क्योंकि फ्रंट ओपन हमारी तो कान्हा जी को आगे से बेल्ट जो बांध सके, तो इस तरीके से हम बना लेंगे और यहाँ छोटे छोटे हम जो है पम पम बांध लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर डोरी लगा दी क्योंकि फ्रंट ओपन है हमारी तो इसमें डोरी की जरूरत है, ये देखिए हमारी आगे से, तो ये बहुत आसानी से आप कान्हा जी को पहना सकते हैं और कितने भी बड़ी बना सकते हैं, कितने भी इसमें आप कलर लगा सकते हैं। ये हमारी दो नंबर की हमने बनाई है, लेकिन घेरा हमने तीन के हिसाब से बनाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम इसको किस तरह से, ये हमारा एक दो तीन किस हिसाब से हमारा घेरा जो बढ़ रहा है। तो ये देखिए आप, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक करना ना भूलिए। राधे राधे।